Sorry kittens, only on Parkview! वालेकुम पाक व्ही मेरा नाम है सुनील और मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया आयु काफी अरसे हम अपनी वीडियोस के नीचे देख रहे थे कि ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड कई सवाल थे और इंडस मोटर कंपनी बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान जो नाइन्टी थ्री से पाकिस्तान में प्रोडक्शन कर रहे हैं अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी एड लगाएं डे लाइट में पिक्चर्स लें एड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर एड पोस्ट कर दें क्विक ऑफर के लिए अपना एड फीचर करवाएं और 40 लाख जैवन ख़रीदारों तक रसाई हासिल करें सो so, आज हमने उनके ऑफिस विज़िट किया है अली असगर जमाली साहब सीईओ हमारे साथ हैं उन्होंने बड़ी मेहरबानी उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला थैंक यू अली साहब थैंक यू जी सर हमारे थोड़े बहुत सवाल आते हैं जो हमारे कंज्यूमर पूछते हैं हम आपसे उसके बारे में पूछेंगे सबसे पहले तो आपके ख्याल से पाकिस्तान के जो भी ऑटो इंडस्ट्री का सीन है उसको आप कैसे देखते हैं और आपके ख्याल से पोस्ट कोविड जो है इंडस्ट्री की सिचुएशन कैसी है देखिए पहले तो पाकिस्तान की जो ऑटो मार्केट है वो काफ़ी अप एंड डाउन रही है सो so, अगर मैं 2018-19 में मार्केट देखूँ तो साढ़े तीन लाख पे मार्केट पहुँच गई थी 19-20 का जो साल था वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर था मार्केट जो है वो साढ़े तीन लाख से एक लाख चालीस हज़ार रुपये की ऑलमोस्ट सिक्सटी फाइव सेवेंटी परसेंट मार्केट एंड डाउन उसमें दो तीन रीजनस थी ऑब्वियसली एक तो इकनॉमिक एक फैक्टर्स थे और फिर कोविड आ गया कोविड के फिर तीन महीने मार्केट बंद रही मैं हमेशा पाकिस्तान की मार्केट का बड़ा ऑप्टमिस्टिक हूँ पाकिस्तान की मार्केट जो अट्ठारह उन्नीस जिस तरह चल रहा था तो मेरा अपना हमेशा से प्रडिक्शन थी कि इक्कीस बाईस के अंदर पाकिस्तान की मार्केट जो है वो पाँच लाख गाड़ी की हो जाएगी चाहिए हाँ वो अब यही चीज़ मुझे लगता है कि शायद दो तीन साल एक्सटेंड हो जाए लेकिन पाकिस्तान की मार्केट जब भी नीचे जाती है तो जब ऊपर आती है वो डबल डिजिट्स में आती है लाइक डोंट बी सरप्राइज़ अगर इस साल आप देखें 30 परसेंट ग्रोथ हो जाए 35 परसेंट ग्रोथ हो जाए पाकिस्तान मार्केट में तो ये एक बड़ा नॉर्मल सा ट्रेंड है तो ये तो एज आई सेट कि ऑप्टोमिस्टिक मार्केट है इन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी बहुत अच्छे हैं मैं अगर उस पर मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको एक एक चीज़ करके बताऊँगा काफ़ी न्यू कंपटीशन है वो भी अच्छा है लेकिन हर चीज़ जो है मेक इन पाकिस्तान होनी चाहिए क्योंकि इस मुल्क को क्या तीन चीज़ों की ज़रूरत है सर नौकरी हर गाड़ी दैट वी मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान वो छः जॉब क्रिएट करती है ठीक है सर अच्छा अब ये फिगर मैं ऐसे नहीं दे रहा इसका मैं आपको डिटेल भी देता हूँ सर आदि जॉब जो है वो मैनुफैक्चर क्रिएट करते हैं जो कि हम लोग हैं डेढ़ जॉब जो है वो आपके वेंडर इंडस्ट्री में क्रिएट होती है हर एक गाड़ी के पीछे सही आधी जॉब जो है वो आपकी आफ्टर मार्केट एक्सेसरी किसी ने टायर चेंज करवाया किसी ने ऑडियो लगाया उसमें क्रिएट होती है ठीक है एक जॉब जो है वो आपकी डीलरशिप नेटवर्क में क्रिएट होती है जो हमारा एग्जिस्टिंग डीलरशिप में और दो जॉब जो है वो लॉजिस्टिक्स में क्रिएट होती है लॉजिस्टिक जिस तरह के पार्ट्स आ रहे हैं जा रहे हैं गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही है उसके ड्राइवर उसके क्लीनर इन सब जगह क्रिएट होती है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन आज तेईस करोड़ की पॉपुलेशन है यंग पॉपुलेशन है इनको नौकरियाँ कैसे मिलेगी वो इसी तरह मिलेगी जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी सैकेंड इशू जो है वो हमारा है इम्पोर्ट बिल तो हमने अपना फ़ॉरन एक्सचेंज सेव करना है अगर हम बाहर से गाड़ियाँ मंगवाएंगे तो ज़्यादा डॉलर्स बाहर भेजेंगे यहाँ मैनुफैक्चर करेंगे तो कम डॉलर्स हो गए और आई थिंक इस पर भी आ जाएंगे थोड़ी देर में आज अपने लिया है टाइम कि लोकलाइजेशन का भी जो मिथ है उसको भी मैं आज कवर कर दूंगा कि ये लोकलाइज लोग कहते हैं कि सब चीज़ें यहाँ मंगवाते हैं और असेंबल करते हैं ऐसा नहीं है कई लोग कहते हैं कि असेंबलर्स हैं मतलब प्रोड्यूस नहीं करते खाली वो देखिए वो सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है अब मैं उसके ऊपर भी आ जाऊँ ठीक है बाई द वे मैं आज आपको इंडस मोटर्स को भी रिप्रेजेंट करना रहा और मैं पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करूँ क्योंकि मैं आई एम द चेयरमैन सर मेरा मकसद भी ये था बिकॉज मैं क्लियर करता हूँ मुझे पता लगा था कि आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दिसंबर है। में आप गवर्नमेंट को मिल रहे हैं वाले उसको तो जी मैं प्राइसिस हर चीज को कवर कर देता ठीक है अच्छा तो आपने एक तो ये हो गया लॉन्ग टर्म व्यू सही अब आ जाए शॉर्ट टर्म व्यू में आप क्या देखते हैं मार्केट देखिए कोविड में मार्केट बंद हो गई बिल्कुल सही है पोस्ट कोविड एटलीस्ट आई कैन से ऑटोमोबाइल मार्केट हैज पिक्ट ठीक है अब हो सकता है कुछ प्लेयर्स को इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़ा हो कुछ लेकिन मेजॉरिटी प्लेयर्स अगर जो है मार्केट में जिस तरह किया है होंडाई है होंडा है हम है सुजू की इज़ ऑल्सो पिकिंग अप नाओ राइट चांगन है सारे जो ब्रांड्स है दे पिकिंग अप नाउ इसके ऊपर आई हैव पर्सनली गिविन क्रेडिट टू गवर्नमेंट एंड मैं ऑफिशियली गवर्नमेंट को क्रेडिट देता हूँ जो गवर्नमेंट में स्पेशली जब लॉकडाउन था उस टाइम पे स्टेट बैंक की जो स्कीम्स आई ओके okay, जिसकी जो कि पेरोल स्कीम्स थी फिर इंटरेस्ट रेट्स को कम करना फिर अब जो मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट में स्कीम आए अभी जो पीएम साहब ने जो अनाउंस किया इलेक्ट्रिसिटी तो देर हैज़ बीन फोकस बाय द गवर्नमेंट ऑन इंडस्ट्रीज ओके सो आई वांट टू अपलोड दैट बिल्कुल ठीक ठीक है कि है फोकस कुछ चीज़ों में ठीक है वो टाइम लगता है लेकिन ये इंडस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ अच्छी पॉलिसी की वजह से सेव हो गई ठीक है और रिबाउंड हुई है ठीक है सर अभी आपने बताया कि इंडस्ट्री के लिए अच्छे एग्जाम ले रहे हैं गवर्नमेंट के बट बी... बींग कंज्यूमर साइड हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट की एक तो पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं सर आपने बात की कि पाकिस्तान की पहले ऑटो पॉलिसी आई थी अभी वो अगले साल खत्म हो रही है और नई आनी है तो एक और तलवार ऑटो मैनुफेक्चर के ऊपर भी लटक रही है कि जी एक ई वी पॉलिसी और आ रही है जिसमें मेरा ख्याल है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को इंक्लूड नहीं किया गया और उस पर काफ़ी अर्सा कॉन्ट्रोवर्सी भी चलती रही सो एक तो आप ई वी पॉलिसी कैसे देखते हैं दूसरा गवर्नमेंट की जो टैक्सेस हैं जो कि ओवरनाइट लग जाते हैं एक दिन पता लगता है एफ लग गया अगले दिन पता लगता है जी लग गया वो आपके कारोबारों कितना हाजस करते हैं अच्छा देखिए पहले तो जो ई पॉलिसी की आपने बात की अगेन इस पर मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा गवर्नमेंट को हमाद अजहर साहब ने ख़ुद पर्सनली मेरे खिलाफ तीन से चार मीटिंग्स कॉल की चाहिए पॉलिसी जो गवर्नमेंट की थी वो सामने रखी उसमें हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो लिया ठीक है उसको इनकॉप्रेट किया ठीक है अभी ऑब्वियसली पॉलिसी फाइनल नहीं हुई सही है और अगर कुछ इसमें चेंज किया तो उसको भी हमें बुला के बताया उसको डिस्कस किया डेलीबरेट किया तो एक तो ऑब्वियसली बिग चेंज ठीक है स्टेक होल्डर्स को स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जो मेन चीज है वो ये है कि मेक इन पाकिस्तान ठीक है आप ई पॉलिसी हो जो भी हो मेक इन पाकिस्तान हो एंड ये पॉलिसी जो गवर्नमेंट सोच रही है वो ये नहीं है कि न्यू प्लेयर्स हो सबके लिए सही है, so, एक वो है। आपने अगला सवाल किया दिसंबर का देखिये एआईडीपी पॉलिसी जो है वो 2021 जून में खत्म हो गई बिल्कुल ठीक है आई थिंक बिफोर डिसम्बर हमारी भी कुछ डिस्कशंस हैं ऑन फोर व्हीलर्स सही एंड पामा लेवल पे सो वी विल डिस्कस एंड वंस इट फाइनलाइज तो फिर मैं आपको उस पर कुछ बता सकता हूँ लेकिन अभी uh, इस पर कोई, uh, कोई ऐसी कोई ऐसी uh, कोई एकदम नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ फिलहाल ठीक है अच्छा सर अगला सवाल जो वो प्राइसेस से लेके बड़ा पिंचिंग पॉइंट है कंज्यूमर का एक तो कंज्यूमर कहता है कि जी सस्ती गाड़ी कब मिलेगी दूसरा ये है कि जो मेरा सबसे बड़ा एतराज़ होता है कि हमारे मुल्क में रमज़ान बाज़ार हो इतवार बाज़ार हो यूटिलिटी स्टोर हो गवर्नमेंट छापे मारती है प्राइस कंट्रोल के लिए गाड़ियों में इन द रीसेंट पास्ट आई नेवर मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने गाड़ी बुक कराई और मुझे उसी प्राइस में मिल गई वो बिकॉज इतनी फ्रीकुन्टली प्राइस चेंज होती है एंड अगेन फिर इसे कभी एफ लग जाती है जीरो टू थाउजेंड सी सी फिर वो चेंज होती है अभी भी मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि गाड़ी के ऊपर तकरीबन तैंतीस परसेंट जो है वो गवर्नमेंट का टैक्स है नहीं सर आपकी फ़िक्र गलत है सर ठीक है गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो फोटी वन परसेंट फोर्टी वन विच इज थर्टी थ्री परसेंट हुआ करता था पोस्ट टू थाउजेंड पोस्ट थर्टी जून टू थाउजेंड नाइनटीन ठीक है थर्टी जून टू थाउजेंड नाइनटीन के बाद मैसिव रुपी डेप्रीसी ऑब्वियसली उसकी वजह से देन एफ ठीक है एंड एफ के ऊपर सेल टैक्स लग बिल्कुल राइट एडिटिव तो अगर एक सत्रह परसेंट का सेल टैक्स है तो पाँच परसेंट आपने एफ लगी तो वो ऑटोमेटिकली छः परसेंट हो गया सही है तो अगर पहले थर्टी थ्री था तो वो थर्टी प्लस थर्टी नाइन हो गया इट इक्यूमिलेटेड ठीक है तो आज फोर्टी जो है वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के टैक्सेज हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आज से पंद्रह साल पहले मैं पहली दफ़ा इंडोनेशिया गया सही है और मैं बहुत लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ तो दो लोगों ने डिनर किया या तीन लोगों ने डिनर किया जब बिल आया तो उस पर लिखा था एक मिलियन रुपया तो मैं अपनी सीट से उठ पा रहा मैंने कहा एक मिलियन तो फिर किसी ने कहा भाई ये सिर्फ सौ डॉलर है रुपी जो है रुपयी डॉलर की जो एक्सचेंज पैरिटी है उसमें अगर आप गाड़ियों की प्राइस को देखेंगे ठीक है मैं आपको एटलीस्ट करोला के बारे में ये कह सकता हूँ कि दुनिया की वन ऑफ़ द चीपेस्ट एक मोस्ट इकोनॉमिकल करोला जो है वो पाकिस्तान में बन रही है ठीक है अब ये क्यों बन रही है एक तो हमारे वॉल्यूम्स हैं नंबर वन नंबर टू लोकलाइजेशन है number number two, करोला यास में एनी थिंग दैट यू कैन टच फील और सी ओके इज़ मेड इन पाकिस्तान ठीक है अब भाई एवरी डे इंडस मोटर लोन ओके बीस करोड़ रुपए का अगर सामान पाकिस्तान से ले रही है मतलब एक वैल्यू है ना सही है अब उसको ये कह देना कहीं अच्छा एक चीज ये है कि अगर हमने सब चीज़ें यहाँ बनाए तो यहीं पे बनेगी ना सही है तो 20 करोड़ रुपये तो, का तो पार्ट आप रोज पाकिस्तान से पाकिस्तान ले। से ले रहे हैं जो कि मेक इन पाकिस्तान है ठीक है गाड़ी जो शुरू होती है इस प्लांट के अंदर वो एक शीट मेटल की चादर से शुरू होती है ठीक है सर और वहाँ से बननी शुरू होती है पूरी बॉडी जो है वो आपकी यहाँ बनती है सही है उसके बाद उसकी असेंबली होती उसके बाद उसको वेल्ड होती है फिर वो पेंट में जाती है और जितनी भी असेंबली के पार्ट्स है वो तो सारे विद इन पाकिस्तान आते हैं ठीक है आपने कहा कि हम वेट करना पड़ता है देखें ये मैं इस पर मैं इसको डिफेंड नहीं करूँगा लेकिन जुलाई 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा जब गाड़ियाँ हर दफ़ा अवेलेबल थी डिस्काउंट पर बिकरी थी सही है होता ही है कि जब ये इशू आता है तभी ये सारे सवाल उठते हैं वैसे ही है। अब अभी ये इशू है ठीक है अभी ये इशू क्यों है देखिए गाड़ियाँ जो है वो मशीन नहीं बनाती वो लोग बनाते हैं सही है ठीक है एंड इट्स अ वेरी वेरी ह्यूमन इंटेंसिव इंडस्ट्री और यू नीड ट्रेन मैन पावर सही है ठीक है बगैर कल मैं ये नहीं कह सकता कि दस लोग उठाए लाइन पे लगा दिए वो दे कान मेक अ कार ठीक है इट इज़ ए स्किल्ड जॉब स्किल्ड लेबर बिल्कुल ठीक है हम दो शिफ्ट की प्रोडक्शन कर करते थे हम माइंड हम दिन की 270 सौ सत्तर गाड़ियां बनाते ठीक है सर अब मार्केट चले गई सत्तर परसेंट डाउन सही है दिस इज टॉकिंग राइट ठीक है पर right? हमने ये डिसाइड किया नहीं हम किसी को निकालेंगे नहीं लेकिन एक अपनी एक स्ट्रैटेजी ये भी थी कि अगर कोई खुद से जा रहा है तो उसकी रिप्लेसमेंट भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिंगल शिफ्ट चलानी थी सही है अब ये चलता रहा हमारे पास मैन पावर कम होना शुरू हुआ तो अबाउट 600 लोग फ्रॉम जुलाई टू फेब्रुअरी लेफ्ट ठीक है एंड वी वर रनिंग ऑन सिंगल शिफ्ट क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी डिमांड भी कम थी उस टाइम डिमांड कम थी सिंगल शिफ्ट पे चल रही थी सिंगल शिफ्ट में भी गाड़ियां वहाँ पर एक्सेस होती थी सही है और हमने फिर भी डेढ़ शिफ्ट से ज्यादा के लोग कैरी किए बिल्कुल ठीक है ऑन हाइन साइड इट हेल्प टेल यू हाउ वो भी इन हाइन साइड देखें इफ यू थिंक गुड फॉर पीपल ओके गॉड हेल्प्स यू बिल्कुल सही मार्च से हो गया लॉकडाउन मार्च अप्रैल में ऑलमोस्ट जून भी लॉकडाउन जैसा ही रहा तीन महीने साढ़े तीन महीने लॉकडाउन हमने एक आदमी को ले ऑफ नहीं किया एक आदमी को भी एंड वी मेड शो एंड अब आई कॉम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट अगेन कि उन्होंने भी हमें इस तरह की स्कीम्स दी कि अपने एम्प्लॉयज़ को पे ऑफ पे ऑफ करें और लोन बड़ा आई थिंक वन परसेंट पे या टू परसेंट था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है एंड दैट वॉज ए रीजनेबल स्कीम जी कोविड सिटुएशन के अंदर अब ये जून में वी व रनिंग ऑन पीक सर जुलाई में भी आपका पीक ही चल रहा था पर आई से अगस्त नीचे जाना शुरू होगा हमने जब शिफ्ट शुरू की ओके तो सिक्स जून को मुझे याद है मैंने चार हज़ार लोग में से ठीक है छः सौ लोग चले गए तो तीन हज़ार चार सौ लोगों का टेस्ट करवाया आपको बताए पॉजिटिविटी रेट क्या आया मेरा ट्वेंटी फोर परसेंट हज़ार लोग या नौ सौ लोग जो थे वो पॉजिटिव थे अब उनको हमने अलग किया ठीक है और फिर मिक्स एंड मैच करके हम सिंगल शिफ्ट चला सकें ठीक है क्योंकि हमने पंद्रह दिन तो उनको आइसोलेट करना था सही है तो अगेन दैट गुड डिसीजन पेड ऑफ़ सही है क्योंकि ऑफ टाइम पे हमें गाड़ियों की डिमांड थी नाउ सडनली डिमांड स्टार्ट पिकिंग अप एंड अगेन आई थिंक आ टीम मेड अ वेरी गुड डिसीजन इन द मंथ ऑफ एंड ऑफ जून के आज एक रिस्क लेते हैं लेट्स स्टार्ट हायरिंग मैन पावर एंड ट्रेनिंग देन ठीक है सो वी डिड दैट तो हमने जुलाई सिंगल शिफ्ट चलाई अगस्त सिंगल शिफ्ट चलाई अच्छा अगस्त में आप देखें ना एक और फोर्स मे शो सिंगल शिफ्ट चलाते भी चार दिन आपकी बारिशों खा गई पूरी सही है हालत क्या August दिया आपके सामने बिल्कुल एंड सितंबर से हमने डबल शिफ्ट को अप कर दिया सही है और अक्टूबर से अलहदुल्ल ओके वी आर ऑन डबल शिफ्ट एंड टुडे इन नवंबर आल्सो एवरी डे वी आर वर्किंग ऑन डबल शिफ्ट बट अभी जो सिटेशन है इट विल बी कंट्रोल्ड होपफुली सही इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ट्वेंटी

ऐसा नहीं है कि आपने एक मशीन से रॉ मटेरियल ज़्यादा डाला तो पीछे निकलाएगी चीज़ में तो, तो इट विल टेक टाइम इसको स्लो डाउन करने में भी इतना ही टाइम लगता है और इसको पिकअप करने में भी इतना टाइम लगता है लेकिन येस राइट नाउ लिटिल बिट ऑफ है वो आई थिंक विद इन द नेक्स्ट थ्री मंथ्स ये सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी ठीक है सर तो आपने जो पहला पार्ट का वो तो आप लोग कर लेंगे इक्रीज़ जो दूसरा पार्ट है कम्युनिकेशन का मुझे लगता है कि अभी उसमें मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से थोड़ा गैप है बिकॉज एज अ कंज्यूमर अगर मैं गाड़ी बुक करा तो हमारे पास क्योंकि बीइंग द लार्जेस्ट ऑटोमोटिव कंपनी हमारे पास लोगों की हर रोज ग्रीवियसिस आ रही होती हैं कि जी हमने फलानी डीलरशिप पर गाड़ी बुक कराई उसने तीन महीने का कहा था अगर कोई जानने वाला है तो बता दें मैंने कहा वाई डू यू नीड अ जानने वाला आप एक कस्टमर हैं आपके पास पी फॉर्म मौजूद है आप जाके कंपनी से बात करें और कई जगह डिलेज होते हैं फिर कई दफ़ा हमारे पास ऐसे मुसदा रिपोर्ट्स हैं जो कि हमने खुद मिस्ट्री शॉपर करके भी देखा कि कंपनी की डीलरशिप इस मुल्क के अंदर इस टाइम पे आपको भी शायद पता होगा नहीं 60 40 का एक रूल चल रहा है आप गाड़ी बुक कराएं 40 परसेंट ऑन डीलरशिप लेगी 60 परसेंट आपको मिलेगा तब आपको गाड़ी की बुकिंग मिलेगी अदरवाइज़ यू कैन वॉक ऑफ़ तीसरी चीज़ कंज्यूमर से हम भी कहते रहते हैं मैं हरिक को कहता हूँ कि गाड़ी में वेंटिलेटर नहीं लगा हुआ वेट कर लो गाड़ी मिल जाएगी बट होता है कि मैं जब उनको ये मशवरा देता हूँ और जब वो गाड़ी मेरी बात मान के डिले दिल, दिल, से लेते हैं तो एंड पे जब वो गाड़ी ख़रीदने जाते हैं वो एक्चुअल प्राइस इतनी बढ़ गई होती है मुझे कहते हैं यार हम तो ऑन दे के बेहतर थे अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ देखें सिवाय एक आध टाइम के कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडस्ट्री ने बैलेंस पेमेंट मांगी हो जो प्राइस होती है वही अब जिस तरह अभी की बात है अभी ग्यारह पे जो हमने इंट्रोडक्ट्री प्राइस चेंज किए हमारे ऑर्डर्स जितने हैं हमने इवन पार्शियल पेमेंट हो कुछ फुल पेमेंट हो हमने कहा सबको दे डोंट हैव टू पे है आगे जाके इम्पैक्ट आएगा कुछ केसेस में ऐसा हुआ होगा मैं इसको भी नहीं कहता हूँ कि नहीं कहीं कभी कोई एक्सचेंज रेट बहुत मैसिवली चले गया हो तो पार्शियल पेमेंट पे बैलेंस पेमेंट्स ली होगी मतलब हमने भी ली होगी एक आध दो दफ़ा लेकिन यूजुअली हम कोशिश करते देखिए एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक बात बताइए ना मतलब कस्टमर तो हमारा है ना हमने इसी मार्केट में अच्छी गाड़ी बनानी है अच्छी सर्विस देनी है और कस्टमर को देनी है राइट तो सबसे ज़्यादा तो फिक्र मुझे होती है एज एज सी ओ ऑफ दिस कंपनी कि मेरा कस्टमर इरीटेट ना हो और हो रहा है मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ अभी बिल्कुल ठीक है और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर ये इस तरह की अगर हमारी डीलरशिप देखें वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर्स ओके ऑफ टूर जो पाकिस्तान में जिन्होंने अपने डीलरशिप को सस्पेंड किए हैं फाइन्स किए है, पेनल्टी कह और मैं ऑफिशियली कह रहा हूँ अगर ये सिक्सटी फोर्टी इस तरह की बातें आती हैं आप आएँ कंप्लेन करें एंड वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट हर डीलरशिप सही है ओके okay. अच्छा और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि क्या हमारे डीलर इन्वॉल्व नहीं है डीलर इन्वॉल्व है ठीक है लेकिन क्या हंड्रेड परसेंट इन्वॉल्व नो वो भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा है हाँ जी इसमें इशू ये आता है कि भाई ये सिर्फ डीलर नहीं है वाइट कॉलर लोग भी हैं हाँ जी बिल्कुल लोग तो आते हैं लोग आते हैं अपनी गाड़ी बुक कराते हैं गाड़ी जब आ जाती है कहते हैं इसको बेच दे डीलर्स को कहते हैं तो ये भी है एग्जीक्यूटिव हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के हाँ जी ताली दोनों हाथों से बैठती मैं तो हमेशा कहता हूँ तो इसका देखिए ना इसका तरीका क्या है हम तो सारा डेटा देते हैं गवर्नमेंट को सही है गवर्नमेंट टैक्स करते हैं इसको सही है करें गवर्नमेंट टैक्स यही यही तो मेरा प्रपोज़ल है कि ये अगर फ़र्ज़ करें कोई इसकी उसको मिस कर रहा है आप उसको टैक्स करें सही है तो जब टैक्स लगाएंगे और टैक्स ठीक ठाक लगाएँ ये जो इन्वेस्टर है इससे मैं हम कह रहे हैं हम अपनी सप्लाई से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं सप्लाई इंक्रीज करके जो हम कर रहे हैं और गवर्नमेंट टैक्स लगाएं इनसे जान छुटे सही है उसकी वजह ये है कि जितने हम अच्छे काम कर रहे हैं कोशिश करते हैं जो करने की वो सब जो है ये इन्वेस्टर अपनी लालच के अंदर वो बर्बाद करवा देता है सही है। जो कस्टमर तो यही सोचता है कि गाड़ी नहीं मिल रही बिल्कुल सर उसके लिए एक इजी सोल्यूशन ये नहीं कि नेशन वाइड एक क्लैरिटी हो अगर आज मैं कस्टमर हूँ और मैं ये देख सकता हूँ कि टोयोटा की कौन सी मैं आपको मार्केट इंटेलिजेंस बता रहा हूँ कि एज अ कंज्यूमर मैं आज चेक करके आया हूँ लाहौर में ना मैं ग्रैंडी बुक करा सकता हूँ ना मैं वन पॉइंट करा सकता हूँ ना मैं रेवो करा सकता हूँ ना मैं फॉर्चुनर करा सकता हूँ एंड इनडेफिनेट टाइम के लिए मैं पे ऑर्डर लेके फिर रहा हूँ सो एज ए कंज्यूमर मेरे पास क्लैरिटी हो कि वट विल बी द टाइम वैन आई शुड एक्सपेक्ट डिलीवरी देखिए करोला आप किसी रीजन से बुक नहीं करा सकते ठीक है ठीक है वो मैं रीजन बता देता हूँ ठीक है हमने अभी अपना ऑर्डर बंद किया है इनशाला खोलेंगे जनवरी में करोला में चेंजेस आ रही है ठीक है ठीक है इट्स अ माइनर चेंज माइनर चेंज ठीक है इट्स नॉट ए फुल मॉडल चेंज इट्स अ माइनर मॉडल चेंज तो वो लेट मी एक आपको ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए थी तो मैंने दे दी आपको इन जनवरी से हम लेके आएंगे ठीक है आ, लेकिन रीज़न अभी उसको ना खोलने का इज़ देखिए जब आप एक इंडस्ट्री चला रहे होते तो आपको दूसरी चीज़ें भी देखनी होती है, है। राइट कि कोविड सिचुएशन किस तरफ जा रही है पोर्ट की कंजेशन किस तरफ जा रही है।, है आज मैं कह कि ठीक है जनवरी से हम आपको गाड़ी देंगे और वो दस दिन तो फिर जो आप कह रहे हैं ना कि वो तो लोगों को डिले मिलती है गाड़ी हम ये नहीं चाहते हम चाहते हैं हम जो कमिटमेंट करें वो पूरा करें ठीक है तो उसके वजह से अगर पंद्रह दिन और वेट करना पड़ता है और उसके बाद अनाउंस करना पड़ता है तो दट गुड इनफ सही है तो एक तो आपका ये सवाल हो गया रिवो और फॉर्चुनर मेरे ख्याल है आपने कहा आप उसको जाएँ वेबसाइट पर देखें एक साइट आएगी वहीकल अवेलेबिलिटी ठीक है जाके अगर आप करें तो चेक करके देख लें बिल्कुल हाँ बिल्कुल आप चेक करें ठीक है अच्छा एक दो सवाल लेके तो आपने भी उसका जिक्र किया था वो भी मैं चाहूँगा ऑडियंस को बताने के एक तो लोकलाइजेशन वाला था कि आप मैंने एक दफ़ा आपकी एक वो प्रेजेंटेशन भी देखी थी और बड़ा इंटरेस्टिंग थी कि जिसमें आपने बताया था कि जब 92 में डॉ डौ, कितने डॉलर की थी और आज कितने डॉलर की करोला है और लोकलाइजेशन बट उससे पहले एक सवाल मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सारी बातों से एक्सचेंज रेट भी होना चाहिए लोकलाइजेशन भी है अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा है इंक्लूसिव ऑफ़ योर ब्रांड डॉलर आठ या नौ रुपये नीचे गया है प्राइस इंक्रीज़ हो गई हैं देखिए प्राइसज़ कौन से इंक्रीज़ हुई है सुजुकी के तमाम वेरियंट्स या की प्राइस देखिए यार की प्राइस मैं आपको बता दूँ उसमें बड़ा क्लियर था के अच्छा और वो ये अभी की नहीं है यारिस की प्राइस इंट्रोडक्टरी प्राइस को हमने किया देखिए ठीक है अ डिफरेंस हर कंपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है राइट right? हमने स्ट्रेटजी बनाई थी कि आफ्टर टेन थाउजेंड यूनिट्स हम अपनी इंट्रोडक्टरी प्राइस चेंज करें बिल्कुल ठीक है हमने कर दी अब अब वॉट डू यू एक्सपेक्ट कि कर, करोला माइना मॉडल चेंज आएगा सेम प्राइस पर तो नहीं आएगा प्राइस वो तो चेंज होगी ऑब्वियसली ऑब्वियसली चेंज वो होगा ठीक है अब कंज्यूमर्स को इसने बोला प्राइस बढ़ा दी प्राइस देखिए प्राइस बढ़ा प्राइस जो ये जरूर है कि करोला माइना मॉडल चेंज की जो बढ़नी चाहिए थी शायद उसमें थोड़ी कमी आ जाए ठीक है सर लेकिन प्राइस तो बढ़ेगी क्योंकि माइना मॉडल चेंज आएगा उसके अंदर यार आप मुझे बात बताए ना इसको मैं, नहीं नहीं, मैं मैं, मैं मैं अभी बताता हूँ आपको एक बंपर का मोल्ड मिलियंस ऑफ डॉलर का आता है तो उसको कैसे एमोटाइज करेंगे ठीक है एक मॉडल चेंज जब होता है तो उसमें पंद्रह बिलियन रुपए चाहिए होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे यूजर्स के लिए पंद्रह बिलियन रुपए हम क्यों लगाए अगर हम सिर्फ असेंबली कर रहे हो यहाँ पे तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है आपकी लोकलाइजेशन में सर अब एक गाड़ी की जब बॉडी बनती है जो पूरी बॉडी हम यहाँ प्रेस इंडस्ट में करते हैं साढ़े छः बिलियन रुपीज की डाई आती है उसकी ठीक है तो उसको एमोटाइज अगर वॉल्यूम ना हो तो नहीं हो सकता एमोटाज समझ नहीं आएगी ठीक है बम्पर के बोल्ड्स होते हैं ब्रेयर बम्पर के मोल्ड होते हैं तो ये एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो अब अगर हमने माइना मॉडल भी करना है और प्राइस भी नहीं बढ़ानी तो फिर मैरान क्यों बंद कर दिया हमने तो फिर चलने देते मैरान सही है तो फिर मॉडल चेंज होगा तो उसकी वजह से अच्छा ये छः बिलियन की डाइव जो है ये स्क्रैप हो जाएगी आफ्टर मॉडल चेंज सही है देखिए इट इज़ इट हैव टू मेक कमर्शियल सेंस फॉर एवरीथिंग सही है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए अब लोग कंपेयर करते हैं इंडिया से नहीं वो तो कंपैरिजन गलत है लेकिन जिस आपने बताया था कि आप पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं आपको पाक व्हीलिस्तान ठीक है, है? है? मैगी बनती है इंडिया की आपको बताता हूँ देखिए क्योंकि आप भी मीडिया में आपसे वो नहीं कर रहा हूँ मैं तो अपने सारे जनरल वालों को बोलते होता ही है कि आप खबर नीचे सही लगाते हैं लेकिन सुर्खिया ऐसी लगा देते हैं सही है तो आपने क्या आपने इंडियन आपने पाकिस्तान की प्राइस ली और इंडिया की प्राइस ली और कन्वर्जन जब पाकिस्तान रुपी में किया तो वो इतना छोटा सा नीचे किया बिल्कुल ठीक है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है तो मैंने देखा सही है दुनिया ने फिर वो दो प्राइस देखी बिल्कुल ठीक है अंडरस्टैंड ठीक है इसी तरह आपने सिटी का किया सिटी भी चीपर थी बिल्कुल सही ठीक है।, है लेकिन वो आपने छोटा सा लिखा था यहाँ पे जबकि जो प्राइस थी इंडियन रुपी में वो बरी थी और पाकिस्तान रुपी में वो सस्ती गाड़ी पाकिस्तान में सस्ती है वो ठीक है दो तीन स्पेक्स का फर्क है हाँ जी। लेकिन उसमें तीन स्पेक्स का फर्क है और यारिफ जो थी वो पौने थी, पौने दो लाख रुपए सस्ती थी पाकिस्तान रुपये तो हमने उसको हाईलाइट नहीं किया नहीं, नहीं मैं तो गाय बहे करता रहता हूं बल्कि जब ये इस तरह की न्यूज चलती लेकिन है मैं हमेशा कहता हूं कि आप इंडिया के वॉल्यूम को पाकिस्तान से कंपेयर ही नहीं कर सकते नहीं लेकिन लेकिन उसके बावजूद हमारी गाड़ी सस्ती है बिल्कुल सही तो ये देखें ये इशू ये होता है कि लोग जो है वो पूरी खबर नहीं पड़ता हैं बिल्कुल ठीक है मॉडल चेंज में समझ आ गई बट जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ आप पूरी पाकिस्तान इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करें सुजुकी के किसी मॉडल में कोई चेंज नहीं हुई एक ऑल्टो तो बारह लाख अस्सी हज़ार से शुरू होकर सोलह लाख सत्रह लाख पे चलेगी डॉलर कन्वर्जन के, के बाद भी वो गाड़ी आठ हज़ार आठ सौ नौ सौ डॉलर महंगी होगी देखिए मैं मैं उनके किस में बोलूंगा कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद ओके द ओनली कंपनी जिनके वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे वो, वो है सुजुकी है ठीक है इज इन बिजनेस राइट बिल्कुल ठीक तो अगर सुजुकी अगर स्ट्रगल कर रहा है ओके okay, अच्छा और दूसरा ये है ना कि देखें इसीलिए मैं कहता हूँ कंपटीशन होना चाहिए ठीक है पिकांटो अवेलेबल है ऑल्टो अवेलेबल है ठीक है स्विफ्ट अवेलेबल है आज सिविक अवेलेबल है करोला अवेलेबल है फिर किया अवेलेबल है फिर होंडाई अवेलेबल है तो अच्छा और प्राइस जो है वो हर प्रोडक्ट अपनी डिटरमिन करेगा ना सही है, सही है भाई अगर कल ऑल्टो सुजुकी ये सोचता है कि भाई मैं 20 लाख में बेचूंगा सिर्फ सौ गाड़ी महीने की भेजूंगा तो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है उनका इशू तब है कि दूसरे प्लेयर ना अवेलेबल हो और अब आपके पास चांगन है ठीक है फा है तो आपके पास चाइनीज है कोरियन है आपके पास जापनीज है छः महीने और सफर करें एवरी कंज्यूमर विल है मच ब्रांड यूट सही है. एंड देन इट शुड बी अ मार्केट ड्रिविन थिंग ठीक है, थीक थीक है। मैं तो मैं हमेशा कहता तो जितनी मार्केट ज्यादा बेड होगी हो ठीक है फिर ऑल्टो अगर आपको लगती है कि भाई पच्चीस हजार से महंगी है मतलब तो आप पिकांटो लें है। है। कोई और लें आप चांगन लेंक ऑप्शन तो अवेलेबल हो चाहिए ऑप्शन ना अवेलेबल हो देख लिया तो फिर लेकिन इसका हल यूज का नहीं है इसीलिए मैंने आपको कहा हर गाड़ी जो पाकिस्तान में बनती है लेट क्रिएट सिक्स जॉब्स ठीक है ओके अब अब ऑब्वियसली ये 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 हमने डिसाइड करना है कि हमने जॉब क्रिएशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यूज़ कर काम ठीक है।, है अच्छा उससे अगला सवाल मेरे जेहन में आ गया जो हमेशा यूज वर्सेस लोकल का होता है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री नहीं है सिर्फ पेज जोड़ते हैं और आपकी उन्होंने प्रेजेंटेशन देखी थी जिसमें आपने बताया था कि कितनी लोकलाइजेशन है टोयोटा में और कितने डॉलर की नाइन्टी टू में थी और आज उससे सस्ती है वो अगर आप बता दें ताकि यूजर्स को ये क्लैरिफाई हो जाए और आई अमाउंट कि ये ना लगे कि मैं एक वन साइड पिक्चर दे रहा हूँ तो आपकी साइडर देखे अच्छा ये जो आपका सवाल है अब नाइनटीन में जो करोला आई ठीक है उसमें लोकलाइजेशन परसेंटेज थी बीस परसेंट ठीक है सर उसकी पाकिस्तान रुपए में प्राइस थी फाइव लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है उस टाइम पे यू डॉलर का रेट था सत्ताईस रुपए सत्ताईस रुपए सेल टैक्स जो था वो था साढ़े बारह परसेंट ठीक है जी एस टी लिखा हुआ है यहाँ पे वो ये मैं आपको स्लाइड भी दे दूंगा आपको रख लीजिएगा तो यू डॉलर में प्राइस बनती थी बीस डॉलर ठीक है ठीक है अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाता हूँ जो 2019 में करोला थी एक्सल आई उसकी प्राइस जो 545 थी उससे हो तो गई 2499 बिल्कुल ठीक है ठीक है।, है पांच गुना प्राइस बढ़ गई ओके बहुत पैसा खा रही है तो बहुत है। बहुत पैसा खा रही है अच्छा जो 1993 में करोला थी ना इसमें पावर स्ट्रेडिंग था ना इसके अंदर ए बी एस ब्रेक्स थे ना इसके अंदर वो एयर बैग थे।, थे उसकी जो आपकी वो जो आपकी सीट्स होती है हो, उस पर वो मटेरियल अलग था बहुत डिफरेंट है दोनों ठीक है तो 2499 की प्राइस थी जब हमने उसको डिसकन्टिन्यू किया उस टाइम पर डॉलर था वन सेल टैक्स जो सारे बारह था उससे हो गया सत्रह और पाँच हो गए एफ तो यू डॉलर में ये प्राइस बनती है मैं पहले पूरी प्राइस बता रहा हूँ सही है वो बनती है पंद्रह हज़ार नौ सौ सत्रह कम्पेयर टू ट्वेंटी थाउजेंड वन एटी फाइव डॉलर सही है ठीक है so, पाँच हज़ार डॉलर सस्ती हो गई पाँच हज़ार डॉलर सस्ती हो गई अब नेट ऑफ टैक्सेस उस टाइम पे सत्रह हज़ार थाउजेंड नाइन टू थी आज वही गाड़ी जो हमने डिस्कटिन्यू की वो ट्वेल्व थाउजेंड नाइन फिफ्टी सेवन सही अब आ जाइए आप लोकलाइजेशन नहीं नहीं आप लोकलाइजेशन को बीच में आप अच्छा लोकलाइजेशन में 20 से 64 परसेंट लोकलाइजेशन हुई तभी ये 5000 डॉलर कम हुआ ठीक है अब अच्छा जब आपने यारस लॉन्च की वही 1.3 इसके स्पेक्स स्पेक्स करोला एक्सल से बढ़ गए बिल्कुल ठीक है ठीक है उसकी प्राइस हुई टू फोर सिक्स नाइन चाहिए ठीक है उस टाइम पे ए जो थी इसमें सात परसेंट लगा दी गवर्नमेंट ने सही है सत्रह परसेंट जी एफ टी वही है और पाँच परसेंट एफ ई डी वही है सही है ठीक है और आज के एक्सचेंज रेट पे ये बनती है पंद्रह हज़ार नौ सौ डॉलर के बदले में चौदह हज़ार सात सौ डॉलर सही है और इसमें भी लोकलाइजेशन इतनी है लोग ये कहते हैं जब इतनी लोकलाइजेशन तो प्राइस इम्पैक्ट क्यों आता है सही है भाई आप शीट मेटल मंगाते हैं ठीक है आपको ठीक है उसकी स्टैंपिंग करते रॉ मटेरियल जो है और तो नहीं है पाकिस्तान में ठीक है कि शीट मेटल क्या होगी तो वो तो बाहर से आएगा सही है प्लास्टिक पार्ट के लिए क्या रेजन है आपके पास नहीं है तो रेजन का दाना तो बाहर से आएगा ना अब एक जब सौ रुपए का डॉलर होगा तो रेजन की प्राइस अगर तीस डॉलर में ऐसे एग्जाम्पल है मतलब तीस डॉलर पे फिक्स है तो तीन हज़ार बनती है जब वो डेढ़ सौ डॉलर पे हो जाएगी तो वही रेजन जो है साढ़े चार हज़ार का हो जाएगा ठीक है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ हमारी सी के डी पे नहीं आता तो आप एक चीज़ आके जो सी के डी है उस पर एक्सचेंज का इम्पैक्ट आता है और जो गवर्नमेंट का फोर्टी परसेंट है वो भी बढ़ता जाता है क्योंकि फिर उसका इंपैक्ट सेल टैक्स पे भी आता है एफडी पे भी आता है एडिटिव टैक्स इनके लिए गवर्नमेंट से कोई बात नहीं करते कर सके अगेन मैं ये बात करता हूँ मैनुफेक्चर जो है हमारी के नीचे लोगों ने लिखा होता है अच्छा हो गया बिग थ्री मार रहे हैं ये हो जाए वो हो जाए बुराई ऑटो मैनुफेक्चर पे आती है गवर्नमेंट ऊपर से कहते हैं मिलाई ले जाती है बट ब्लेम पे जब भी आती है तो वो कहते हैं जो ऑटो मैनुफेक्चर बुरे हैं इनके लिए इंपोर्टेड गाड़ी नहीं नहीं ये भी जाती है ठीक है मैं मैं अभी की प्रेजेंट जो सिचुएशन है मैं बताऊँ कि जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें हमारे साहब ने कहा है कि हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है ठीक है उसके लिए और हमने देखना है कि व्हाट टैक्सेस हो, होने चाहिए नहीं होने चाहिए और किस तरह से हम इसको वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि कोई ज़्यादा डिटेल बात नहीं है मैं इस पर और कोई मजबूत बात नहीं कर सकता लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव है ठीक ठीक है तो मैं बिल्कुल भी इस पर अभी ये बात नहीं कहूँगा कि नहीं है डायरेक्शन पॉजिटिव है रिज़ल्ट क्या आता है वो मुझे नहीं पता लेकिन डायरेक्शन ठीक है अच्छा सर इंडस्ट्री में डिफरेंट कंपटीशन आने के बाद बहुत सी प्रोडक्ट ऐड हो रही हैं सो इंडस मोटर कंपनी एक टोयोटा क्रॉस का हमने सुना है उसके अलावा ड्यू आप प्लान कर रहे हैं कोई नई प्रोडक्ट्स लाने का इसके बारे में कोई रोड मैप होताकि जो हमारे यूज़र उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है कि जी कब आएगी कब आएगी लेकिन टोयोटा क्रॉस जो है वो मैं जो इन आई थिंक दिसंबर में हम लॉन्च करेंगे लेकिन ये सी है ठीक है इम्पोर्टेड गाड़ी है ठीक है लेकिन इन शाह इट विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ कस्टमर्स इनशाला इट विल बी भी एक्सपेंसिव सही है मगर ट्वेटर जो है वो हमेशा वो नहीं एक्सपेंसिव तो हो सकती है बट फिर कोई प्राइस रेंज का आइडिया बिकॉज उसके बारे में बड़ी गलत पोस्ट चल रही थी फेसबुक में नैर अगेंस क्लेरिफाई रहे हाँ। लोगों ने पैसे पकड़ना शुरू कर दिया कि जी पैसठ लाख रुपए में क्रॉस ले लें मैंने कहा जी नहीं हो सकती पॉसिबल ही नहीं है नहीं होगी देखिए मैं आपको प्राइस रेंज बता दूँ कि ये हाईब्रिड में आएगी सही है ठीक है और हाईब्रिड की प्राइस जो है वो एट तक है सही है और फिर पेट गैसोलीन जो है वो आई थिंक सेवन पॉइंट सिक्स विल भी अवेलेबल फॉर सेल इन दिसंबर के पहले टेस्ट यूनिट्स आएंगे और फिर जनवरी में आके बिकेंगे भाई देखें ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड शॉर्ट है सही है ओके okay? तो हम हमें भी कोई बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं मिल रही सही है तो वो टेस्ट यूनिट्स की तरह ही होगी और फिर वो बेचेंगे जितनी और जो ये तो सी हो गया सी के डी में और कोई किट्स लाने और कोई गाड़ी से अभी आर एस आई है उसके अलावा कोई गाड़ी लाने का कोई प्लान है भी इनकी जो अभी अगर हम एक और गाड़ी ले आएंगे तो फिर आप बोलेंगे कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है <laughs> तो पहले हमें इसको पूरा कर लेने दें इन श्ला और सही से लाएंगे और जो आर जो है इसके बारे में लोगों का एक सवाल होता है गेन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इट विल क्लैरिफाई लोगों का सवाल होता है कि करोला क्यों बंद कर दी देखिए करोला बंद नहीं की ठीक है, है। नंबर वन करोला वन पॉइंट सिक्स और वन पॉइंट एट में अवेलेबल सही है देखिए वन पॉइंट थ्री करोला जो थी सिर्फ पाकिस्तान में थी ठीक है एंड टोटा की जो स्ट्रेटजी है वो दुनिया भर में अगर मैं सिर्फ दो प्लेयर्स का एग्जाम्पल दे दूँ अभी बहुत सारे प्लेयर्स हैं तो सिविक कम्पीट्स विथ करोला सिटी कम्पीट्स विध यार्स ठीक है ओके सो दैट्स ए ग्लोबल स्ट्रैटी उसके ऊपर है तो वो कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच सर फॉर थैंक यू ये इंटरव्यू जो है आप लोगों के कई जो है सवाल आता अब हाँ मैं उनको क्लियर किया होगा अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राह से आगा करते रहा करें अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें बेल आकन पर क्लिक करें ताकि आपको और आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक अपना और अपने गिरदों वाकलों का ख्याल रखिएगा शुक्रिया